जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज। दे उनको आंदोलन करने की जगह दे, उनसे वार्ता करे, उनकी मांग को माने और इन काले कानूनों को वापस ले। और सरकार ऐसा नहीं करती, सरकार तानाशाही दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार अगर तानाशाही दिखाती है, खट्टर साहब अगर तानाशाही दिखाते, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसानों को गिरफ्तार किया गया, उनको दिल्ली आने की इजाज़त नहीं दी गई, बहुत जल्द तो हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे और उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे। नहीं हो पाती, कभी कभी बारिश नहीं होती तो पानी के लिए परेशान होता है, कभी कभी जब पानी ज्यादा हो जाता है तो पानी निकालने के लिए परेशान होता है। आप समझिए कि किसान कितना बेबस होता है और फिर उसको उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, उसके परिवार भी उसमें पिसता है। खाली किसान नहीं पिसता है, देश की विडंबना है कि यहां पूंजीपति पैसे लेके भाग जाता है और किसान आत्महत्या करता है। बड़े दुख का विषय, जो जिसकी वजह से हमारे घरों में अन्न आता है वो किसान आत्महत्या करता है और उसकी आत्महत्या पर चर्चा नहीं होती। कोई अमीर आदमी, कोई फिल्म स्टार, कोई और आत्महत्या करता है तो उस पर डिबेट होती है, दो दो महीने टीवी पे चलता है, लेकिन वो किसान किस बेबसी में सब चीजें करता है और उसका जिम्मेदार जो सरकार है उस पर कोई चर्चा नहीं होती। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आंदोलन किसान इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मजबूर हो चुका है, उसको पता है कि सरकार उसकी नहीं सुनेगी। ढाई महीने से वो अपने घरों के बाहर, अपने गांव में, अपने अपने प्रदेशों में वो आंदोलन कर रहा था, सड़कों पर था, सरकार ने कुछ नहीं सुनी। लेकिन इस बार सरकार का पाला जिन लोगों से पड़ा है उनको किसान कहते हैं, वो सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। पहली बात तो किसान दिल्ली क्यों नहीं आ सकता, सवाल सबसे बड़ा ये है। मुझे भी एक बार जब जमा मस्जिद का आंदोलन हुआ तो मुझे भी दिल्ली आने से रोका गया था। मामला बिल्कुल साफ था कि आंदोलन मजबूत ना हो। दिल्ली में पूरे देश की, पूरी दुनिया का मीडिया रहता है और जब किसान यहां आकर बैठेगा, अपनी समस्या बताएगा, तो पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि खेती तो सब जगह पे होती है, कि भारत के किसान के साथ क्या हो रहा है। यहां प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन किसान जिस कानून को नहीं चाहता उसको लागू जबरदस्ती किया जा रहा है। बेबस होके वो सड़कों पे है, आंदोलन कर रहा है। मैं मानता हूं महामारी है, मगर मुझे बताइए कि जब इतनी बड़ी बड़ी रैलियां आपने की हैं, चुनाव कराया है, किसी की नहीं सुनी है, चुनाव आयोग आपके बिल्कुल जो है मोहरा बना हुआ है, जब आपने चुनाव कराया तब तो कोरोना नहीं था। जब बड़ी बड़ी रैलियां भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अभी बंगाल में जाके कर रहे हैं, या बिहार में आपने की, तमाम सारे नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के नेता, अन्य पार्टी के सब नेता जब वो रैलियां कर रहे थे जिसमें हजारों हजार लोग सम्मिलित हो रहे, तब तो कोरोना का डर आपको नहीं था, क्योंकि आपके लिए सत्ता सब कुछ हो चुकी है। तो कोरोना कोई आपके लिए खेल है, कोरोना की आप परवाह कर रहे हैं, तो आप इसी बीच में जो है राम मंदिर का शिलान्यास कराते, इसी बीच में जो है आप तमाम तरह की जो है और धार्मिक उत्सव कराते हैं, उस पर आपको कोरोना नहीं दिखाई देता। अभी छठ पूजा हुई, इस पर इतनी भीड़ हुई है तमाम वहां, मतलब आप क्या समझ रहे, जनता को बेवकूफ समझ लिया गया सरकार ने कि जब भी कोई आंदोलन की बात करेगा तो कोरोना आ जाएगा, उससे पहले कोरोना नहीं होगा, जब आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे तब कोरोना नहीं होगा। सरकार को पता है कि अगर किसान दिल्ली आके बैठ गए तो ये आंदोलन इतना मजबूत हो जाएगा कि सरकार को इनके आगे झुकना पड़ेगा। और सरकार पूंजीपतियों से पैसे ले चुकी है, पूंजीपतियों से वादा कर चुकी है अपने मालिकों से कि नहीं, हम आपकी ये जो आपको मुनाफा खोरी चाहिए, मुफ्त खोरी चाहिए, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। इसलिए सरकार डर रही है, सरकार जानती है कि अगर किसान आके एक बार बैठ जाएगा तो और लोगों का भी समर्थन उसे मिलेगा और फिर किसान तब तक यहां से नहीं हटने वाला, क्योंकि जो किसान 6 महीने का, 4 महीने का राशन लेके आ रहा है वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। जो किसान कोरोना में अपनी जान की, इतनी ठंड में, बारिश की, पानी की बुछारों की, आंसू गैस के गोलों की, कटीली तारों की, बैरिकेटिंग की, लाठियों की परवाह नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो तैयार होके आया। और इतना तैयार आदमी तब होता है जब उसको पता कि भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। पहली बात तो हम दिल्ली क्यों नहीं आने दे रहे हैं, दिल्ली अगर उनको दिल्ली आना तो हरियाणा सरकार क्या दिक्कत है, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और वो सरकार जो है
केंद्र सरकार के सारे पैसा कर रही है, इसलिए हरियाणा बॉर्डर पूरे हरियाणा को बंद किया गया, किसान लड़ रहा है वहां, इतनी ठंड में पानी की बोछारे उसके ऊपर की जा रही है, उनकी जान जा, किसान ही तो है। मैं ये कह रहा था इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी मेरी, तो लाइव से भी सरकार को दिक्कत हो जाती है कि किसान ही तो है, हमारे देश के ही तो है, इस देश के नागरिक ही तो है, तो फिर उनको रोकने के लिए आंसू गैस का या ये गड्ढे खोदे जा रहे हैं, ये तमाम जो चीजें की जा रही है कहीं को की जा रही है, और इससे हरियाणा सरकार क्या दिक्कत है, वो तो दिल्ली आ रहे हैं, हरियाणा में थोड़ा आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा के किसान हो, यूपी के किसान हो, पंजाब के किसान हो, उससे यूपी गवर्नमेंट को हरियाणा गवर्नमेंट क्या दिक्कत, वो तो दिल्ली आ रहे हैं और वो आंदोलन करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जगह दीजिए। भाई आपने साइन बाग में कहा कि भाई उन्होंने सड़क घेर ली थी, लेकिन वो तो आंदोलन की जगह मांग रहे रामलीला ग्राउंड में या और किसी ग्राउंड में, उन्होंने तो अपनी एप्लीकेशन में दिया है कि भाई हम जगह चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सरकार बात करे, लेकिन सरकार तो ऐसा कुछ नहीं कर रही है। क्यों उनको आंदोलन से रोका जा रहा है, क्योंकि सरकार को पता कि आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है, और मीडिया के लोग क्या कह रहे हैं। देखिए पहली बात तो किसानों के सामने, किसान मोस्टली आप देखें ना, जो सीमा पे जो जवान है हमारे, वो किसानों के बच्चे हैं, क्योंकि हर गांव में खेती होती है, हर कस्बे में खेती होती है, हर जिले में खेती होती है, हर प्रदेश में खेती होती है, तो सभी किसान तो नहीं जागे हैं। जहाँ किसानी और किसान आंदोलन मजबूत हैं, किसान यूनिटें मजबूत हैं, वहाँ के किसान ज़्यादा तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ चीज़ें आसानी से पहुँच गई हैं लोगों के बीच में कि सच क्या है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मीडिया से एक सवाल पूछे, किसानों को कौन भड़का रहा है, इस तो मैं इसका जवाब देता हूं आपको। मेन स्ट्रीम मीडिया तो मुझसे नहीं पूछ रही, लेकिन मैं तो अपने लोगों को यहां से जवाब दे दूंगा कि किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार भड़का रही है, केंद्र की सरकार भड़का रही है, जब उनके मामले सुनवाई नहीं कर रही है, उनकी बात नहीं सुन रही है, उनके मुद्दे का हल नहीं कर रही है, दो दो मढ़ाई महीने से वो सड़क पे हैं, उनसे कोई चर्चा नहीं कर रही है, जो किसान विरोधी बिल है उनको वापस नहीं ले रही, तो सरकार भड़का रही है। मैं आंदोलनकारी हूं, मैंने आंदोलन किए हैं, मैंने आंदोलन आपके सहयोग से देखे हैं, मैं जानता हूं कि किस तरह आंदोलन को कुचला जाता है, किस तरह आंदोलन में झूठ और गलतफहमियां फैलाई जाती है। जैसे कहा जा रहा है कि खालिस्तान के कब्जे में आंदोलन है, ये है वो है, अरे किसानों के कब्जे में आंदोलन है और किसान कर रहे हैं, और साहब कोई पैसे में भी आंदोलन करता है अपनी जान को जोखिम में नहीं डालता, लेकिन ये जो जान को जोखिम में डालने वाले लोग हैं, ये सच्चे और ईमानदार हैं इस देश के। कहते हैं ना कि जिस देश का किसान खुशहाल होता है वो देश खुशहाल होता है, जिस देश का किसान तरक्की नहीं करता वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, ये कहा गया है। तो किसान वो कर रहा है जो इस देश को मजबूत करने के लिए है, हरित क्रांति यहाँ हुई है और यहाँ किसानों ने अन्न पैदा किया तब जाके इस देश को अन्न मिलता है, वरना आप याद कीजिए और पढ़िए इतिहास में कि बाहर से अन्न आया करता था यहाँ। अगर वास्तविकता में ये किसान ना होते, पूंजीपति होते, तो सरकार इनके आगे नतमस्तक होती। मेरी किसानों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम इस आंदोलन को अपने आप लड़ रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए, मजबूती से लड़ रहे हैं, हम तय करके आए हैं, आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी तो आपको भी बुलाया जाएगा, आपसे भी कहा जाएगा, मैंने पिछली बार भी उनका समर्थन किया था। तो मैं उनको ये बता रहा हूं, उनको नहीं बता रहा हूं, देश को बता रहा हूं कि कब तक हम इस तानाशाही सरकार के आगे अकेले अकेले लड़ते रहेंगे। आज जरूरत है देश को किसान आंदोलन के साथ खड़े होने की। सरकार उनकी सुन नहीं रही है, पुलिस उनके ऊपर, जैसा मैंने बताया कि मोस्टली जो है, जो पुलिस में हो, सीआरपीएफ में हो, आईटीबीपी में हो, या पैरामिलिट्री फोर्स में हो, या सीमा पे जो जवान है, वो मोस्टली किसानों के परिवार से हो करते हैं। आप देखिए कि बाप और बेटे को आमने सामने खड़ा कर दिया है, गजब की बात देखिए कि आमने सामने खड़ा कर दिया है, वो जवान अपने बाप पे, अपने दादा पे, अम्मा आ रही है, दादी आ रही है, छोटा बच्चा आ रहा है, उनके ऊपर वो लाठी चार्ज कर रहे हैं आंसू गैस के गोले अपने ही परिवार पे। सरकार की ये देखिए, सरकार मतलब कोई आतंकवादी हैं, कोई क्रिमिनल हैं, कोई और क्या क्या आप उनको नाम दे रहे हैं, नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, क्या 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 नाम दे रहे हैं। ये चाटुकारिता जो मीडिया कर रही है, जो मोदी मीडिया, सारे मीडिया के लोग नहीं कर रहे, लेकिन मोदी मीडिया कर रही है, मुझे बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी आंदोलन को बदनाम आप क्यों करते हैं। आंदोलन मजबूरी में किया जाता है, खुशी से नहीं किया जाता। यह आंदोलन भी किसान मजबूरी में होकर कर रहे हैं, सरकार ने उनकी मांग क्यों नहीं सुनी। जब किसान उस बिल को नहीं चाहता तो सरकार उस बिल को क्यों सरकार ने लागू कराया जबरदस्ती।
सरकार क्यों नहीं लिखित में करती है कि एमएसपी जो है वो नहीं खत्म की जाए, एमएसपी बनी रहेगी। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि आम आदमी सशक्त हो, आम आदमी मजबूत हो, किसान मजबूत हो। और जब जो भी आदमी मजबूत होगा वो सवाल करेगा, और सवाल अगर होगा तो सरकार को उससे तकलीफ है। अब हमें करना क्या है ये बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता अगले जो पूरे देश में रहते हैं, जहां जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उनकी मदद करनी है, उनके लिए खाना। आप लोग गौर से सुन लीजिए, मैं हमेशा आपके ऊपर भार डालता रहता हूं, लेकिन ये भार जो है जनहित में, क्योंकि बाबा साहब ने कहा, हमें सिखाया है कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है, संघर्ष करना बहुत जरूरी है। और अन्याय अत्याचार जब कहीं होता है तो मैं कभी चुप नहीं रहता हूं। आज किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, अगर उनको आराम से आने दिया जाता तो शायद मैं लाइव नहीं कर रहा होता, लेकिन जो दुर्दशा उनके साथ हो रही है वो बहुत गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं, और मैं चाहता था कि सरकार को चाहिए किसानों की मांग सुने, किसानों को दिल्ली आने दे, किसानों से बात करें, उनके मुद्दे को हल करें। वो भी आम आदमी, वो भी घर जाना चाहते हैं, उनके परिवार हैं, उनके भी घर परिवार में तकलीफ हो रही है, वो भी परेशान हो रहे हैं। इस आंदोलन में किसी के साथ कोई हादसा भी हो सकता है, कौन जिम्मेदार होगा अपने इतने बड़े बड़े गड्ढे खोदे। मैं मानता हूं कि सरकार को डर है, और डरना भी चाहिए। अगर सरकार लोकतंत्र में जनता से नहीं डरेगी तो डरेगी किससे? तो ये हमारे देश के जनता है, और विकल्प ये जो है विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं, उनको सलाम करता हूं, उनके हौसलों को सलाम करता हूं, और ये भी उम्मीद करता हूं कि जिस तरह मैंने आपका आंदोलन बहुत करीब से देखा, ये कोई आपको नहीं रोक पाएगा। आप आएंगे भी और आप जीतेंगे भी, और दिल्ली फतेह भी आप करेंगे। आपने इस सरकार को बनाया था, आप इस सरकार को जो है सबक भी सिखाएंगे, मुझे ऐसा भी पूरा भरोसा है। लेकिन मैं जो आपसे अपील कर रहा हूं कि किसानों भाइयों का तो धन्यवाद करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि जो हरियाणा से, पंजाब से और दिल्ली आसपास से जो लगे हुए लोग हैं, उनको ये करना है कि जो किसान रास्ते में आ रहे हैं उनके लिए खाने का, पीने के लिए पानी का, सर्दी के कपड़ों का, और जो तमाम जरूरतें उन लोगों को हैं उनकी, उसके लिए मदद करवानी। हम इस आंदोलन में, इस आंदोलन किसान लीड कर रहे हैं, वही लीड करेंगे। हम लोग समर्थक की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य सरह लेना नहीं है, मदद करना है। तो जो भी मदद आप कर सकते हैं, जो किसान आंदोलन में आ रहे हैं उनके लिए खाने, क्योंकि उनमें हिम्मत रहेगी तभी तो सरकार के खिलाफ संघर्ष कर पाएंगे। सरकार ने तो उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए सब कुछ कर दिया है। तो जो मैंने कहा कि जिस तरह से हमारे गुरु घर दिल्ली में है, पहले हमने बहुत सारे आंदोलनों में मदद की है, जिस तरह से हमारे मस्जिदें यहाँ हैं, हमारे गुरु घर यहाँ हैं, वहाँ तमाम जगह पे हम लोग करना क्या कि उनके लिए खाने की, पानी की, पीने के पानी की, उनके लिए दवाइयों की, उनके लिए गर्म कपड़ों की, तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो हम उनके लिए कर सकते हैं वो हमें करनी। ये हमारे अपने लोग हैं और ये आंदोलन कर रहे हैं, हमें सीख मिल रही है, हमें बल मिल रहा है कि आंदोलन जारी है। और याद रखिए, दीवाने हैं ये लोग। जैसे कोई व्यक्ति मुझसे भी पूछते ना हमारे कार्यकर्ता कि भैया इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो, तो आती है हिम्मत ये तय सोच के, जैसे आज किसानों ने सोच लिया है कि साहब हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों की लड़ना है। जो आज किसान 50 साल का, 60 साल का, 65 साल, 70 साल का किसान हमारी माता है और हमारे बुजुर्ग किसान आ रहे हैं, उनको क्या करना है? उनका तो जीवन लगभग खत्म होने का गार्फ है, लेकिन उनको क्या महसूस हो रहा है? उनको महसूस ये हो रहा है कि अगर आज हम नहीं लड़े तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियों का इस देश में क्या होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसलिए वो हिम्मत मुझे वहां से मिलती है ये सोच के कि अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो इस देश में हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, क्या हमारी पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी, वहां से हिम्मत मिलती है। और इन किसानों के बल से हिम्मत मिलती है, इनके संघर्ष से हिम्मत मिलती है, आंदोलन से हिम्मत मिलती है। इसलिए मैं आंदोलन का रास्ता कभी नहीं छोड़ता हूं। हमारे लोग आंदोलन करते हैं, बताइए किसान किस चीज की परवाह कर रहे हैं अपने हक के लिए? और क्योंकि उनकी मांग जायज है, वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। मैं ये भी सरकार को चेतावनी देता हूं, सरकार अच्छी तरह सुन ले, मैं इस आंदोलन को पहली बात तो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दूंगा। आपके झूठे आरोप सरकार के लोग लगा रहे हैं, मीडिया के लोग लगा रहे हैं, उनको कभी जो है हम लोग बिल्कुल भी इस आंदोलन को बदनाम नहीं होने देंगे। इसलिए हम पिछले जो है पीछे खड़े होकर इस आंदोलन में मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन दूसरी बात, अगर किसानों को गिरफ्तार किया गया तो मैं पूरी जानकारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि मैं खुद सड़कों पर उतरूंगा और इस देश में जेल भरो आंदोलन चलाऊंगा। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता तैयार हो जाए। ये लड़ाई की शुरुआत जो है किसानों ने की है। अगर
उनके साथ जुल्म जाती होती है, उनके साथ अत्याचार होगा, तो हम लोग उनके समर्थन में सड़कों पर भी उतरेंगे और जेल अभरण आंदोलन भी चलाएंगे। लेकिन अगर सरकार ये सोचती किसान अकेले हैं तो ऐसा नहीं है, हम सब लोग उनके साथ हैं और हम सब लोग उनकी मांग का समर्थन करते हैं और मैं चाहता हूं सरकार उनकी मांग को माने। सरकार किसानों को दिल्ली आ, दो दिन से हम इंतजार कर रहे हैं कि आप आराम से उनको आने दें, अगर आप जुल्म जाति करेंगे तो हम जुल्म जाति होते नहीं देखें किसी भी कीमत पे। फिर मैं भीम आर्मी के लोगों से भी लाइवा के दरखास्त करूंगा, अगर आपने किसानों को जेल में डालने काम किया तो कि भाई आप लोग भी सड़कों पर आइए और जेल, हम देखते हैं सरकार की जेलों में कितना दम है और कितनी जगह है उस उन जेलों में। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग जो दीवाने हैं अपने देश के लिए, अपने अधिकारों के लिए, वो इतनी आसानी से नहीं पीछे हटने वाले, वो जेल भरो आंदोलन चलाएंगे और मैं सरकार को देखूंगा सरकार की, अपने साथियों के सहयोग, सरकार की जेलों में कितनी जगह है। लेकिन अगर सरकार दुम जाती और अन्याय करेगी तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि लोकतंत्र में विरोध के आंदोलन को जिंदा रखे, लोकतंत्र बना रहे दे, विपक्ष का भूमिका जो किसान अदा कर रहे हैं उनको आंदोलन करने दे, क्योंकि यहां अन्ना हजारे का आंदोलन भी तो हुआ था, यहां बाबा रामदेव का आंदोलन भी तो हुआ था, तो क्या दिक्कत है? शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं ढाई महीने से, किसान आपने नहीं सुनी तभी मजबूरी में आ रहे हैं। लेकिन ये घमंड, ये तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। हम किसानों के साथ हैं, किसान आंदोलन के साथ है, जय जवान जय किसान, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। लेकिन मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि तैयार हो जाइए, अभी आपको उनकी मदद करनी है, जो जो मैंने आपको बताया, खाने से के सामान से, पीने के सामान से, उनके लिए दवाइयों की, उनके लिए गर्म कपड़ों की, और भी जो भी व्यवस्था है उनके लिए चाहिए वो। और सरकार अगर किसानों के साथ जुमजाती करेगी तो फिर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर अगर कोई भी आंदोलन देश में चलेगा उसको कमजोर नहीं पड़ने देंगे। हम सब लोग किसानों के साथ हैं और किसानों को धन्यवाद देता हूं इस आंदोलन के लिए कि आपने दोबारा से एक बड़ी ताकत दी इस आंदोलन को चला के, और ये साबित किया कि ये देश जो है आंदोलन से तैयार हुआ है, यहाँ चरखा चलाने से आज़ादी नहीं मिली, यहाँ कुर्बानियाँ देने से आज़ादी मिली है। जय भीम, जय भारत।